वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रवि। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट मेथड यहाँ पे दिया है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री मेथड्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से देखो हर एक मेथड को हम लोग देखने वाले कैसे वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स यहाँ पे सॉल्व भी किया। ठीक है, तो हर एक चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड मैंने लिखा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, तो कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उसको हम लोग चेक करते हैं डायमेंशनली। ठीक है, डायमेंशनली कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, है ना, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने वी कंसिडर किया, वी इज नथिंग बट वट वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, मैंने मीटर पर सेकंड लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँगा तो डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, ये तो आप लोगों ने देखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा एल रेस टू वन, एल रेस टू वन क्यों है, बिकॉज ऑफ मीटर, यहाँ पे न्यूमरेटर में मीटर है तो एल रेस टू वन आएगा। मास यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो जीरो टी, देखो टाइम यहाँ पे डिनोमीटर में दिया है, न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, टी रेस टू माइनस वन, एल रेस टू वन, एम रेस टू जीरो, टी रेस टू माइनस वन, किसका डायमेंशन है वेलोसिटी का फॉर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व किया। सेकंड मैं राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करने वाला हूँ, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड के लिए लिखा मैंने। ठीक है, राइट हैंड साइड में फर्स्ट क्वांटिटी मेरा क्या है, यू, यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्लस ए टी गिवन है, तो ए इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन एंड टी इज़ द टाइम, यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। देखो इनिशियल वेलोसिटी रहे या फाइनल वेलोसिटी है, तो वो भी एक तो वेलोसिटी होता है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी अगेन डायमेंशन सेम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो डायमेंशन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखो न्यूमरेटर में एल वन है, मास यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो मास जीरो हो गया। टी क्या होगा, देखो टाइम डिनोमीटर में दिया है एस रेस टू टू, ऊपर जाएगा तो माइनस टू, तो टी रेस टू माइनस टू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेलरेशन के साथ में क्या मल्टीप्लिकेशन है, टाइम का मल्टीप्लिकेशन है। ए टी का साथ में डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, एल रेस टू वन हो जाएगा, एम रेस टू जीरो हो जाएगा, टी रेस टू माइनस टू हो जाएगा, ये होल डायमेंशन हो गया। मल्टीप्लाई किससे हो रही है, टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि टी रेस टू वन आएगा। ठीक है, टी रेस टू वन क्यों है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक टाइम दिया था, इसको हम लोग सेकंड लिख सकते हैं। सेकंड किस क्वांटिटी पर जाएगा, टाइम की क्वांटिटी पर जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एल यहाँ पे कुछ था नहीं तो एल रेस टू वन एज इट इज आया, एम दी कुछ भी नहीं था तो एम रेस टू जीरो एज इट इज आया। देखो ये सिंप्लीफाई होगा, टी रेस टू माइनस टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, माइनस टू प्लस वन, देखो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस टू प्लस वन, जिसको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, एल रेस टू वन, एम रेस टू जीरो एंड टी रेस टू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, देखो कि थ्री क्वांटिटीज मैंने कैलकुलेट किया, है ना, थ्री क्वांटिटीज मैंने कैलकुलेट किया, जिसमें से फर्स्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ये आ रहा था मुझे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड का ये डायमेंशन आ रहा था। राइट हैंड साइड की अगर उसकी भी मैं बात करूँ, राइट हैंड साइड में जो सेकंड क्वांटिटी है उसका डायमेंशन ये मिला, और जो थर्ड क्वांटिटी उसका भी डायमेंशन ये मिल रहा है। मतलब अगर मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन की अगर डायमेंशन की बात करूँगा तो तीनों इक्वेशन का डायमेंशन सेम आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, जो इक्वेशन है तो बोथ साइड में सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर, देखो यहाँ पे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने इसको प्रूफ कर दिया और मैंने करेक्टनेस यहाँ पे चेक किया फिजिकल इक्वेशन का। ठीक है, आई होप आप लोग को फर्स्ट मेथड क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, अभी सेकंड मेथड की हम लोग बात करते हैं। सेकंड मेथड यहाँ पे गिवन क्या है, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, एक रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल भी मैंने लिखा है। ठीक है, द पीरियड ऑफ टी ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल, एल को मैंने यहाँ पे डिनोट किया स्मॉल एल से, सॉरी लेंथ को डिनोट किया स्मॉल एल से, टाइम पीरियड टी से डिनोट किया है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, अभी देखो इसी वर्ड प्रॉब्लम को मैंने कैसे लिखा है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है और वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया था एल था, एल एंड जी, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन छोटा सा रहेगा यहाँ पे एल इंटू जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के लिए इक्वल टू आ जाएगा, है ना,
तो यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू के इंटू एल इंटू जी, तो के होता क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट होता है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अज्यूम कर रहा हूँ, एक्स एज इट इज आएगा, एल रेस टू एक्स, नेक्स्ट जी रेस टू वाई, इसको मैंने क्या किया, अज्यूम किया। अभी अज्यूम मैंने क्यों किया वो आगे आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं फर्स्ट देखो लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड था, तो टाइम पीरियड में लेंथ होता नहीं है, तो एल रेस टू जीरो, नेक्स्ट वन एम रेस टू जीरो एंड टी रेस टू वन, टाइम यहाँ पे एक है तो टी रेस टू वन। ठीक है, देखो जिसको डायमेंशन में प्रॉब्लम आ रहा होगा, वो डायमेंशन के लिए मैंने कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन यूनिट टू डायमेंशन मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं है, तो इसको मैंने एज इट इज लिखा है। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज के लिख दिया। नेक्स्ट लेंथ यहाँ पे दिया तो एल रेस टू वन, और पावर क्या दिया था, एक्स दिया, तो एक्स लिखा मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, मतलब एक टाइप का एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताया, वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट जी रेस टू वाई, तो वाई यहाँ पे लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में के को एज इट इज लिखा। देखो एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो एल रेस टू एक्स, नेक्स्ट वन यहाँ पे फिर से पावर क्या दिया, वाई दिया, तो वाई एल रेस टू वन से मल्टीप्लाई हुआ, तो वन इंटू वाई क्या होता है, एल रेस टू वाई हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एम जीरो इंटू वाई, देखो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहे, वन इंटू वाई हो रहा है, वन इंटू वाई इज नथिंग बट वाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जीरो इंटू वाई क्या होगा, जीरो हो जाएगा, माइनस टू इंटू वाई माइनस टू वाई, तो इसको मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोग को। नेक्स्ट के एज इट इज आया, एल रेस टू एक्स, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एल रेस टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, मास यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो मास रेस टू जीरो हो गया। ठीक है, टी रेस टू, देखो यहाँ पे भी टी कुछ नहीं था, तो जो जो गिवन था यहाँ पे वही मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे मुझे मिल क्या रहा है, एल रेस टू एक्स प्लस फाइव मिल रहा है, एम रेस टू जीरो और टी रेस टू माइनस टू। अभी मैं जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करूँगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल रेस टू जीरो था, यहाँ पे एल रेस टू एक्स प्लस फाइव, तो जीरो इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव मैंने लिख दिया। मैंने इंडेक्स को कंपेयर किया, क्योंकि ये जो नीचे बेस है वो कॉमन है। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव। नेक्स्ट मास की अगर बात करो, दोनों जीरो जीरो है, तो कंपेयर करके कुछ मतलब नहीं है, तो उसको मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थर्ड सेकेंड इक्वेशन की बात करूंगा, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, टी रेस टू वन एंड टी रेस टू माइनस टू है। तो देखो टाइम के टाइम का साथ में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेंथ को लेंथ के साथ में, मास को मास के साथ में। ठीक है, ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे वन इज इक्वल्स टू माइनस टू आया गया। इसको जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो टू उधर जा ले जाएगा, तो माइनस वन अपॉइंट टू हो गया। ठीक है, तो वाई क्या है, माइनस वन अपॉइंट टू। अभी वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉइंट टू में क्या करूँगा, इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट करूँगा, जिसकी वजह से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन मैंने देखो सब्सिट्यूट किया, यहाँ पे जीरो इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस वन अपॉइंट टू। ठीक है, ये इस साइड में गया, तो देखो प्लस हो गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स इक्वल टू वन अपॉइंट टू हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट पेज में मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, टी इज इक्वल्स टू के इंटू एल रेस टू वन अपॉइंट टू। एक्स का वैल्यू क्या था, वन अपॉइंट टू था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या था, वन अपॉइंट टू था, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट जी रेस टू माइनस वन अपॉइंट टू आया, वाई का वैल्यू क्या था, माइनस वन अपॉइंट टू, उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा। अभी देखो यहाँ पे माइनस वन अपॉइंट टू है जी रेस टू, उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो टी इज इक्वल्स टू के एल रेस टू वन अपॉइंट टू एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जी रेस टू वन अपॉइंट टू। अभी देखो ये आप लोगों को पता रहेगा, एल रेस टू वन अपॉइंट टू होता क्या है, अंडर रूट ऑफ एल होता है। ठीक है, उसी को मैंने देखो ऐसे लिखा, तो अंडर रूट ऑफ एल हो गया, और जी के लिए अंडर रूट ऑफ जी हो गया। जब दोनों को साथ में लिखूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल्स टू के इन टू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ठीक है, ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ। अभी देखो के का वैल्यू अगर फुल कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है, तो के का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू पाई। ठीक है, कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए के का वैल्यू यहाँ पे टू पाई, टू पाई मतलब कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, 360 डिग्री पूरा टर्न होगा। तो टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे चाहिए तो हम लोग टू पाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, टी इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड मेथड कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन थर्ड मेथड देखते हैं हम लोग, टू फाइंड द, देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, फाइंड। ठीक है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, वन जूल इक्वल्स टू एक्स अर्ग, मतलब वन जूल में कितने अर्ग होते हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग देखो जैसे वन मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, हंड्रेड सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हो गया हंड्रेड सेंटीमीटर होता है, तो ये हंड्रेड कैसे आया वो हम लोग इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है 1 जूल इज इक्वल्स टू एक्स अर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, देखो जूल यहाँ पे क्या है, किसका यूनिट जूल है, एनर्जी का यूनिट जूल है, ठीक है। तो देखो हम लोग कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट कर, इसी मेथड क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है, ठीक है। तो डायमेंशन यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करने के लिए डायमेंशन यूज़ करना पड़ेगा। एनर्जी का डायमेंशन होता है क्या, जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी का डायमेंशन L2m1T^-2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जूल है, ये क्या है, SI यूनिट है, और ये क्या है, CJ यूनिट है, ठीक है। बट दोनों का डायमेंशन तो सेम होने वाला है, ठीक है। तो मैं डायमेंशन दोनों साइड सेम लिखूंगा, यहाँ पे बीच में X है तो X यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अगेन डायमेंशन सेम है, L^2m^1T^-2, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने डायमेंशन लिख दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मुझे ये पता है ये क्या होता है, SI यूनिट होता है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल में SI लिख रहा हूँ, यहाँ पे CJ लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो सॉल्व कैसे होगा, वो आगे आप लोगों को क्लियर होगा कैसे, मतलब क्यों मैंने यहाँ पे SI और CJ लिया, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे, कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करते, ठीक है। तो कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करते टाइम हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये SI में रखना पड़ेगा, इसको CJ में रखना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, एक्स कैलकुलेट करना है। तो एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये पूरा पार्ट इधर जाके डिवाइड होगा, है ना, ये पूरा पार्ट यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो कैसा आ जाएगा, L^2m^1T^-2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, SI यूनिट डिवाइडेड बाय L^2m^1T^-2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CJ यूनिट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, देखो नेक्स्ट में यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी देखो SI यूनिट जूल का SI यूनिट क्या आएगा, देखो यहाँ पे लेंथ है, ये क्या होता है, मास होता है, ये क्या होता है, टाइम होता है, है ना। तो लेंथ यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, है ना। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, यहाँ पे मैं मीटर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मास, तो देखो मैं सबको पहले सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, सेपरेट कर देता हूँ लेंथ को लेंथ के साथ में। अभी देखो CJ में लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर हो गया, दोनों भी क्या है, लेंथ है, ठीक है। अभी देखो L^2 था, तो L^2 लिख दिया हमने। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे फैक्टर होता है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो मास दिया, तो मास का SI यूनिट क्या होगा, kg, और CJ यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा आएगा, पावर क्या इसका 1 आएगा, देन मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम देखो SI यूनिट में भी टाइम सेकेंड होता है और CJ यूनिट में भी सेकेंड होता है, पावर क्या आएगा, -2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, अभी देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर, ये तो पता है मुझे, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो मैंने मीटर की प्लेस पे क्या लिखा, 100 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय सेंटीमीटर ऑलरेडी था डिनोमीटर में, है ना। देखो यहाँ पे देख सकते हो, फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेंटीमीटर ऑलरेडी डिनोमीटर में, तो मैंने डिनोमीटर को सेम रखा है, उसको सॉरी न्यूमीटर को कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। नेक्स्ट वन देखो, आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ। अभी देखो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आ गया, अभी केजी को कन्वर्ट करेंगे, केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम होगा, डिवाइड बाय ग्राम आ गया, पावर क्या आएगा, 1 आएगा, ऑलरेडी 1 था, यहाँ पे पावर क्या आएगा, 2 आएगा, जो ऑलरेडी पावर 2 था इसके पहले। और देखो सेकेंड कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो सेकेंड था वो कैंसिल हो गया, तो 1 आया, 1^-2 हो गया, ठीक है। नॉन नेक्स्ट टर्म, अभी देखो सेंटीमीटर विल बी कैंसिल, नॉ रिमेनिंग टर्म 10^2 लिख सकता हूँ मैं 100 को, ठीक है। पावर कितना है यहाँ पे, 2 पावर आएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 10^3, ठीक है। यहाँ पे भी ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो नीचे कुछ नहीं आएगा, मीन्स 10^3 डायरेक्टली भी मैं लिख सकता था, बट ये भी राइट है, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय 1^-2 क्या होता है, 1 ही होता है, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ करना नहीं है, तो सेम एज इट इज आएगा। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 10^4, देखो ये मल्टीप्लाई होगा 10^4, देन मल्टीप्लाई बाय 10^3, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे इंडेक्स, देखो इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इंडेक्स ऐड होता है, तो 10^4+3 इज़ इक्वल्स टू क्या आएगा, 10^7, ठीक है। तो अगर हम लोग बेसिक इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पे अज्यूम क्या था, ये मैंने क्या किया था, अज्यूम किया था, यहाँ पे चाहिए तो हम लोग लेट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10^7, ठीक है। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिल रहा है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10^7, यहाँ पे ये क्या है, 7, ठीक है। आई होप आप लोग को
यहाँ तक क्लियर हुआ रहेगा। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से यहाँ पे बात किया, ठीक है, आई होप आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तीन मेथड हम लोग ने सीख लिया, डायमेंशन एनालिसिस के थ्री मेथड्स होते हैं, जो यूजेस होते हैं वो थ्री यूजेस हम लोग ने सीख लिया। ठीक है, तो इसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को देने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी ये वीडियो देख रहा होगा या जो भी प्रिपरेशन कर रहा होगा इलेवंथ के लिए या फिर आगे जो भी तुम्हारा रहेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप लोग क्या करना रहेगा, यहाँ पे मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब होमवर्क के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू एक्स डाइन। ठीक है, तो आप लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, देखो ऐसे में हम लोग 1 मीटर इज इक्वल्स टू भी ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे, बट एक ही क्वेश्चन सफिशियंट है, उतने में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप देखो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे करेक्टनेस कैलकुलेट करना है। आप लोग को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।